लड़ीवार कथा राग जैतसरी विच आप जी सरवण कर रहे। जैतसरी दी वार पंजवें पातशाह जी महाराज जी दी उच्चारण कीती हुई पिछे संपूर्ण हुई है। भगत बाणी जैतसरी राग दी प्रारंभ हो रही है। महाराज भगत रविदास जी ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। महाराज भगत रविदास जी पारब्रह्म परमेश्वर दे सन्मुख बेनती कर रहे हैं। सानू सारयां नूं बेनती करन दा तरीका दस रहे ने, प्रकार दस रहे ने कि अपने मालक दे प्रभु दे चरणां विच किस तरीके नाल किवें बेनती करनी। आओ इस पावन शब्द दे विच जो साहब दे चरणां च विनती कीती है उस विनती नाल आपां जुड़िए। हाजरी लवाओ, आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। जैतसरी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैतसरी राग है बाणी भगतां की, यानी कि भगत रविदास जी महाराज जी दे शब्द ने। भगत बाणी प्रारंभ हुंदी इस करके मंगलाचरण कीता, एक ओंकार जो सारयां विच व्यापक है, ओही एक सारयां दा प्रकाशक है, ओही एक सारयां नूं पालदा है, पैदा करदा ते संगारदा है। सतगुरां दी किरपा द्वारा तिस वाहिगुरु परमेश्वर दे सरूप दी प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द दी आरंभता करदे हन। नाथ कछु ना जानो। नाथ किस नूं कहिंदे आ? नाथ जिहदे हथ विच नत्थ होवे उहनूं कहिंदे आ नाथ। बलद दी बैल दी नक च नकेल पा के उहदी रस्सी जिसने फड लई उस बल दा नाथ हो गया, उन्हों नथन वाला, उहदी नथ अपने हाथ च पकड़ के उन्हों चलाउण वाला, हक्कण वाला। असी जिन्ने भी जीव हाँ साड़ी नक विच जिहड़ी नकेल है पाई हुई साड़े कर्मां दी, वो फड़ी है मालक ने अपने हाथ विच, इस करके वह साड़े सारयां दा नाथ है। नक नथ खसम हथ, साडे नक विच पाई जिहड़ी नथ है वो खसम दे हथ विच, जिस दे हथ विच है वो है नाथ। साडे कीते कर्मां मुताबक उस नाथ ने सानू प्रेरना, नथ उहदे हथ विच है, प्रेरणा उसे ने किधर टोरना, उहनू कहिंदे आ नाथ। एक नाथ हिंदुस्तान का मत भी है नाथां का, योगियों का एक फिरका है नाथ, बड़े बड़े प्रसिद्ध नाथ होए ने, गोरखनाथ नौ नाथ होए, उन्हां विच एक गोरखनाथ, चरपट नाथ, ये महाराज गुरु नानक साहब नूं भी मिले ने। पर इत्थे नाथ कहा अकाल पुरख नूं, इन्हां नूं नाथ तां कहिंदे आ जिहड़े गोरखनाथ वगैरा, इन्हां ने अपना मन नथिया होया, जिन्हां ने अपने मन नूं नथ लिया, नथ पा के मन नूं काबू कर लिया, उहनूं भी नाथ कहिंदे। पर साडे सारयां दे मनां दा नाथ भी परमेश्वर है, अकाल पुरख है। उस नाथ नूं संबोधन करके कहिंदे हे नाथ कछु ना जानो, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता,
मेरे कोई जानकारी नहीं है, मैं जानदा ही नहीं है कुछ। इनू कहते नाथ दी शरण च पै के उदी पनाह च पै के उनू बेनती करनी। महाराज मैं तो कुछ जानदा ही नहीं हाँ, ये केवल जुबान तो नहीं कहना भी मैं कुछ जानदा नहीं, अंतरीवी तौर ते दिलों ये पुकार करनी, महाराज मैं वाकई नहीं कुछ जानदा, मैनू पता ही नहीं, कुछ जानकारी है ही नहीं। सिख जदों भी गुरु की शरण विच आवे यही भावना लैके आवे, मैं महाराज कुछ नहीं जानदा, कोरा कागजां तुहाडे सामने जो लिखोगे वह जानी जावांगा। जे कागज पहले ही लिख के लिया होया पूरा ते लिखे तो हुण होर की लिखिया जा सकता, जे जानकारियां पहले ही बड़िया हासिल कीतियां हुईयां ने, पहले ही भरिया होया सारा कुछ, तो फिर उहदे ते हुण होर की लिखिया जा सकता। कोरा होवेगा तो लिखिया जाएगा ना, चढ़े रंग दे उत्ते हुण होर की रंग चढ़ना है। इस करके कहिंदे हे वाहिगुरु मैं कुछ भी नहीं जानदा, मन माया के हाथ बिकानो, मेरा जेड़ा ये मन है ये माया दे हाथ बिक गया, माया ने मैनू वेच के रख दिता महाराज, मेरा मन माया दे हथी बिक गया, एहो जा बिक गया माया दे ना माया दे हथी भी हुण इहदे ते मेरा कोई काबू नहीं रहा। जदों वेक ही गया जड़ी चीज असी वेच दिती उहदे ते साडा काबू रहिंदा भला, जिहनू वेची फिर तां हुण उही वाहे जिधर लैके जाणा हुण उही लैके जाए, साडा की उहदे ते जोर हुण। महाराज मेरा जिहड़ा ये मन है माया दे हथ इहो जिहा विक गया है वी हुण माया ही खिची फिरदी है इहनू जिधर, क्योंकि जदों वेकी गया उहदे कोल ते महाराज फिर हुण तां उही चलाउंदी है इहनू जिधर टोरदी है, मेरा तां इहदे ते कोई जोर नहीं रहा, मेरा इस मन उत्ते कोई काबू नहीं रहा। ते महाराज ये माया तुहाडी है, आखो सतनाम, जेड़ी माया दे हाथ मेरा मन वेख्या है वो माया तुहाडी है, तुसी चाहो तो उस माया नू होड़ के मेरा मन उहदे तो छुड़ा सकदे हो, नहीं तो होर कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं जानदा भी इहनू किवें छुड़ावां, हाँ ये माया तुहाडी है, इहदे च तुहाडी चेतनता है, तुहाडे बिना तां इह जड़ है, तुसी चाहो तां इस माया दे हथियों मेरा मन छुड़ा के इहनू अपने चरणां च ला सकदे हो, नहीं तां मेरा कोई जोर नहीं महाराज, नहीं तां मैं कुछ नहीं जानदा। रहाओ तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, महाराज तुसी सारे जगत दे स्वामी कहे जांदे हो, कहे जांदे ही नहीं हो, हो सारे जगत दे स्वामी हो महाराज, तुसी सारे संसार दे मालक हो, स्वामी हो। हम कहियत कलयुग के कामी, असी महाराज जी कलयुग दे कामी कहे जाने हां भी असी तां कामी लोग हां, क्रोधी लोभी हंकारी, महाराज असी कलयुग दे कामी कामी लोग हाँ, कलयुग दे विच कली काल दे काम कलयुग दे आखे लग के काम करन वाले हाँ, तुसी सारे जगत गुरु सारे जगत दे स्वामी, असी कलयुग दे कामी। हाँ जी इन पंचन मेरो मन जो बिगारे हो, महाराज आ जड़े पंज ने ये बुरियां बलावां काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां ने मेरा मन बिगाड़ के रख दिता, इन्हां पूर्ण तौर ते बिगाड़िया होया मेरे मन नूं महाराज, कोई इहदे ते मेरा वस नहीं है, कोई इहदे ते मेरा जोर नहीं कंट्रोल नहीं, इन्हां ने पूर्ण तौर ते मेरे मन नूं महाराज जी बिगाड़ दिता होया, काम ने क्रोध ने लोभ ने मोह ने हंकार ने। हाँ जी पल पल हर जीते अंतर पारियो, पल पल करके मेरा हे हर जी तेरे नालों अंतर पा दिता, फर्क पा दिता, पल पल करके तेरे तो बड़ी दूर कर दिता। इन्हां पंजां ने
तेरे नालों इन्ना फर्क पा दिता, इन्ना अंतरा पा दिता है कि हुण वह पेंडा मेरे को तय नहीं पिया हुंदा। फर्क इन्ना पै गया, अंतरा इन्ना पै गया कि हुण वह अंतरा मिट नहीं रहा, वह फर्क मिट नहीं रहा। इन्हां पंजां ने पल पल करके तेरे तो महाराज एडा वड्डा मेरा अंतरा पा दिता, फर्क पा दिता कि हुण मैं यतन करदा हाँ कि अपने इस अंतरे नूं मिटा दें, इस फर्क नूं मिटा दें, पर हे मेरे स्वामी यह फर्क मिटन का ना नहीं पै लैंदा, यह फर्क मिट नहीं रहा। मैं जितना फर्क मिटाण का यतन करदा हाँ स्वामी फर्क होर वधदा चलिया जा रहा है। कदे काम आके फर्क पा दिंदा है, कदे क्रोध, कदे लोभ, कदे मोह, कदे हंकार। ऐसा नहीं भी एक बारी आया तो मुड़ के ना आवे, महाराज मुड़ मुड़ के फिर आ जाते हैं। मैं यतन करदा भी ना तो मेरा छुटकारा हो जाए, पर ये फिर आ घेरदे ने। यह बेनती की जा रही है, महाराज साडा वासी कोई नहीं, मैं जानदा ही नहीं हाँ कुछ भी, इन्हां तो किवें छुटकारा होवे। मैं तां तुहाडे चरणां च अरजोई कर सकदा, बेनती कर सकदा, अरदास कर सकदा। पल पल करके तुहाडे नाल इन्हां विकारां ने मैनूं बड़ा वड्डा अंतरा पा दित्ता है। जत देखूं तत दुख की राशी, जिधर वेखदा मैं उधर दुख दी पूंजी तां मिली जांदी, दुख ही दुख मिली जांदे ने, सुख नहीं पिया लभदा। दुख दी राशि, दुख दी पूंजी हर पासे जिधर वेखदा उधरों आ रही है। जदों तू ना दिसेगा तो फिर सारे पासे दुख ही दुख दिसना, तू दिसे तो सुख का अनुभव होवे। हे वाहिगुरु, हुण मैं जिधर वेखदा उधरों मेरे कोले दुखां दी पूंजी आ रही है। अजो ना पत्याए निगम पे साखी, मैं जानदा भी हाँ, मेरा मन समझदा भी है भी इन्हां विकारां विच दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इहदे च दुख दी राशि आउणी है, दुख दा इक धन आउणा, पर मेरा यह मन हाले भी नहीं पिया पतीजदा। निगमां ने, शास्त्रां ने आप गवाही दे दे के भी समझाया, पर मेरा यह मन नहीं पिया समझदा। इहो जिहा ढीठ है महाराज, यह नहीं पिया समझदा, हाले भी नहीं पिया पतीजदा। वेख लिया भी जिधर वेख्या दुख ही दुख ने। साखी का मतलब गवाही दित्ती है निगमां ने, शास्त्रां ने, धर्म ग्रंथां ने भी इन्हां विच दुख है, पर महाराज मेरा मन हाले भी नहीं पतीजदा, फिर भज भज के उधर ही जांदा, मुड़ मुड़ फिर उधर ही जांदा। बिखै बिखै की बाशना तजी न जाई, अनक जतन कर राखिया फिर लपटाई। राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। महाराज और तां कोई तरीका नहीं है साडे को, तुसीं कृपा करके रख लो, तुहाडी शरण विच हां। निगमां ने, शास्त्रां ने महाराज बड़ियां गवाहियां दे के भी समझाया है, पर मेरा यह मन हाले भी नहीं पतीजदा। गौतम नार उमापत स्वामी, ये विकार किन्ने प्रबल ने महाराज, ये काम किड्डा बली है। किड्डा बड़ा ऋषि सी गौतम, ओदी घरवाली दा नाम सी अहिल्या। इस विकार ने उस ऋषि की घरवाली गौतम दी, ऋषि गौतम एक शास्त्र सांख का करता है, जिन्हें एक शास्त्र पैदा किया, उसकी घरवाली नूं इस काम ने महाराज जी मार के रख दिता, भाव नूं अपने करैक्टर तो सुट दिता, डेग दिता। गौतम नार उमापत स्वामी, उमा उमा नाम है पार्वती दा, उहदे पति कौन ने, स्वामी भाव शिव। जिस वक्त 14 रतन निकले ने समुद्र दा मंथन करके, उत्थे भगवान ने विष्णु अवतार तार, मोहनी अवतार धारण कीता,
विष्णु जी ने। चौबी अवतारा चो एक अवतार है मोहनी अवतार, उस मोहनी अवतार नू वेख के शिव जी की दुर्दशा हो गई, वह भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, विचलित हो गए। बिंद डिगा, उस बिंद नू मच्छ ने निगलिया, उस मच्छ दे पेट तो जेड़ा योगी पैदा होया उन्हूं कहा जांदा मच्छंदर नाथ। एडा वड्डा स्वामी कहा जाण वाला, उहदी भी इस विकार ने कैसी दशा कीती। गौतम नार उमापत स्वामी, हां जी, शीस धरन सहस भग गमी, चार वेदां दे वक्ता जिहदे चारां हत्थां विच चार वेद ने ब्रह्मा जी, अपनी पुत्री नूं पैदा कीता सरस्वती नूं, उसे पुत्री दा स्वरूप वोख के एहो जे मोहित होए, सज्जे गए सज्जे पासे एक मूंह कढ लिया, खब्बे गई खब्बे पासे पिछे चारे पासे चारे मूंह कढ ले, आकाश नूं उड्डी भी पासे हो जावां, ते एक सिर उपर नूं कढ लिया, ते आखिरकार शिव जी नूं वेख के रोस आया, ते उन्होंने वह पंजवां सिर उहदा कट दिता। हुण वह ब्राह्मण सी, ब्राह्मण की हत्या वह कपाली शिव जी जी के हाथ नूं लग गई। जदों कपाली शिव के हाथ नूं लगे वह छुटे ना, बड़िया थावां ते गए। जिस वक्त यमुना नगर जगाधरी तो कुछ दूरी बिलासपुर के नेड़े कपाल मोचन गए, उत्थे की सुनिया कपाल मोचन कि एक बैल वो अपनी मां नूं कह रहा है गऊ नूं भी जिहड़ा अपना जिमीदार ब्राह्मण है मैनू तंग बड़ा करदा भी मैं कल सवेरे सिंह खोब के उहनूं मार देना, भी खाण नूं दिंदा नहीं सारा दिन वही जांदा है ब्राह्मण। मां उहदी कहिंदी आ भी ब्राह्मण की हत्या का दोष बड़ा वड्डा हुंदा पुत्तर, वह किवें धोएगा। कहिंदा नाल ही इत्थे सरोवर है उहदे च नहावांगा ते मेरा दोष लै जाणा। शिव जी बैठे सुन रहे सी, कहिंदे तां ब्राह्मण हत्या का जिहड़ा पाप है इत्थे इशनान करके दूर हुंदा, उत्थे इशनान कीता तां उह कपाली उहदे हत्थों उतरी, उस तीर्थ का नाम बन गया कपाल मोचन। गुरु नानक साहब ने उत्थे चरण पाए, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी उत्थे चरण पाए, जो पौंटा साहब सन महाराज इत्थे आके कपाल मोचन महाराज गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब मनाया सी कलगीधर जी। तो इस प्रकार नाल उत्थे जाके वह कपाली लाई, शीस धरन इहदा मतलब ब्रह्मा जी, जिसने शीस धरी गए सज्जे खब्बे चारे सीस पर पंजवा उस विकार करके, सहस भग गामी इंद्र जिस दे शरीर ते अपने कीते अपराध करके हजारां भगां दे चिहन हो गए, हजारां ही ब्याईयां हो गई शरीर ते, क्योंकि गौतम ने श्राप दिता सी इसने। देवपुरी दियां पछरावां छड़ के जदों अहिल्या दा संग कीता ते गौतम ने जिथे अहिल्या नूं कहा भी तू पत्थर बन जा, उत्थे इंद्र नूं भी श्राप दिता, इंद्र एक भग कारण आया शरीर ते हजारां भग हो जाणगे तेरे। कई सैकड़े बरस उस शरीर दे उत्ते चिहन रहे, इंद्र दा सिंघासन खाली रहा, एक तलाब दे विच नाल च लुक के बैठा रहा भी जावां कित्थे। एडा वड्डा देवत्यां दा राजा कहा जाण वाला इंद्र, उहदी कैसी दशा होई इस काम करके। हे वाहिगुरु, जे एडे एडे वड्डे देवत्यां दी हालत है ते महाराज मैं की जीव हाँ, कृपा करो मैनू तुसी बचाओ इन्हां विकारां तों, तुसी तरस करो महाराज, तुसी दया करो, आप दया करके ना काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदिक जिहड़े विकार ने महाराज, इन्हां विकारां तो मेरी रखिया करो। भगत रविदास जी पावन बेनती कर रहे अकाल पुरख के चरणों च, सानू दस रहे ने भी इदां बेनती करो महाराज। भगत रविदास जी की अंतरीवी अवस्था बड़ी उच्ची, उहदा ब्रह्म स्वरूप हो गए ने, पर साडे वर्गे जीवां नू कह रहे ने बेनती करन दा तरीका दस रहे ने कि हे वाहिगुरु
असी तां केवल कलयुग दे जीव हां, कलयुग के काम ही हां, कृपा करके तरस करके सानू तारो। इन दूतन खल बद कर मारियो। आ जड़े पांच दूत ने इना ने मेरे इस मूर्ख मन नू बन बन के मारिया। खल दा मतलब हुंदा मूर्ख, मन इनू बन के मारिया। बद कर मारियो महाराज, बन के मार दे ने, छड़दे ही नहीं हन। मेरे मन दी एहो जी दशा इना विकारा ने बनाई हुई है, ते बन के मेरे मन नू महाराज जी ये मार दे हन। वड्डो निलाज अजू नहीं हारियो। महाराज मेरा मन एहो जा बेशर्म नलज है, इन्ने भैड़े विकारा विच इहदी दुर्दशा होई है, फिर भी नहीं हारदा। ये महाराज फिर भी बाद नहीं आउंदा, महाराज फिर बार बार भटकदा भरमदा है। एहो जा नलज ते बेशर्म है महाराज ये मन। पता है भी एहो जी दशा हुंदी है, किस दे मन नू नहीं पता। ये विकार माड़े ने, जानदा भी है, पर महाराज फिर भी एहो जा बेशर्म है मन के भज भज फिर उन्हां विकारां वल ही दौड़दा, हारदा ही नहीं है। इन बेशर्म नू शर्म नहीं आउंदी, लाज नहीं आउंदी। कह रविदास कहां कैसे कीजे। भगत रविदास जी महाराज जी कहंदे, महाराज हुण मैं की कर सकदा हां, मेरे बस की है। मैं तां हथ जोड़ के बेनती कर सकदा, तुहाडे चरणां च रख लो महाराज। त्राहे मम तौ शरणं, त्राहे मम तौ शरणं। महाराज डर के भय भीत हो के मैं तुहाडी शरण आ गया हां, मैं हुण कुछ नहीं कर सकदा, तुहाडी शरण च हां। शरण च कदों पईदा, जदों हार जाइए। हार के शरण च पिया जांदा। महाराज मैं हुण हार के तुहाडी शरण आ पिया, अब हम चली ठाकुर पैहार। तुहाडी शरण विच हां, तुहाडी पनाह विच हां, हुण की करिए। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। बिना रघुनाथ अकाल पुरख तो मैं किस दी शरण लवां, तुहाडे बिना कौन है मेरा जिहदी मैं शरण च जावां। महाराज तुहाडा दर छड़ के मैं किस दर ते जावां। महाराज तुहाडे बिना कौन है भला मेरा। किस ही कोई कोई मांझ निमाणी एक तू, किस ही कोई कोई मांझ निमाणी एक तू। तुहाडा दर छड़ के किथे जाइए महाराज। असी तां हां ही आप जी दी शरण दे विच पए होए, कृपा करो महाराज, तुसी अपने शरण आया नू रखण वाले रखण हारो, सानू भी रख लो। साहब जी तरस करन, साडा गाव्या सुनिया थाए पै जाए। गुरु की बाणी अगाध बोध है, विचारां करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।